الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وتبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى سيدنا الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. माहे मुबारक रजब का एक अशरा तमाम हो गया और दूसरे अशरे के अंदर हम लोग हैं कि दूसरा अशरा भी जो है आज आधे से ज्यादा गुजर चुका है। माहे मुबारक रजब इसका शुमार जो महीने शहर हराम कहे जाते हैं उनमें होता है। इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में चार महीने थे कि जिनका जाहिल अरब भी जो है वो एहतराम करते हैं, उसमें से एक महीना था रजब का, उसके बाद ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। तीन महीने पैदर पै हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। ये रजब का महीना अलग है। तो ये जो तीन चार महीने थे पूरे साल, इनको कहा जाता था शहरे हराम। कुरान में भी जो है इनका तस्किरा है, यसअलूनका अनि शहरिल हराम क़िताल फी, क्या है कुरान में, ऐ पैगंबर ये लोग आपसे सवाल करते हैं माहे हराम के हवाले से, शहरे हराम के हवाले से कि शहरे हराम में जंग करना कैसा है। कुरान में क्या है, कुरान कहता है कि आप कह दीजिए कि शहरे हराम में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। तो जाहिल अरब इन चार महीनों का एहतराम करते थे, इन चार महीनों में रजब में, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम में किसी से जंग नहीं करते थे, किसी पे जुल्म नहीं करते थे, किसी का माल नहीं लूटते थे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो झगड़े से बचने की कोशिश करते थे। आम साल के दिनों में वो काम नहीं करते थे लेकिन चार महीने हुए इसके पाबंद रहते थे। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने इन चार महीनों की हुरमत को बरकरार रखा और कहा कि जिस तरह से अहदे जाहिलियत में इन चार महीनों का एहतराम होता था, वैसे ही अहदे इस्लाम में भी इन चार महीनों का एहतराम होता है। लिहाजा आप देखिए कि यहां का तो मसला अलग है कि यहां के ऊपर ऐसा है कि यहां आपके पास ऐसी कोई हुकूमत नहीं है कि जहां इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसले होते हों, जो तो ममालिक हैं कि जहां इस्लामी हुकूमतें हैं तो वहां जो है कोई मसला हो जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है तो आम उसके अंदर जो है साल के महीनों में उसका जुर्माना है, लेकिन जो है अगर माहे हराम में एक्सीडेंट हुआ और किसी को नुकसान पहुंचा तो दुगनी दियत देना पड़ जाती है। से क्या नतीजा निकला कि माहे हराम के अंदर अगर आप एक अमले खैर अंजाम दे रहे हैं तो इसका दोहरा सवाब। इसी तरह से अगर आप माहे हराम में
अगर कोई बुराई अंजाम दे रहे हैं उसका दोगुना आसान। तो कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने रजब का महीना जो है जिसके लिए मशहूर है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ऐन रजबी है, कहां है रजब वाले कि जो रजब में मुनाजात करते हैं, रजब में जो होंगे आवाले जब। आज मिसाल के तौर पर 15 रजब है, 15 रजब को एक अमल वारिद हुआ है कि जो आप मफातिह जिनान के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह उसको अंजाम देंगे, अमले उम्मे दाऊद। ये अमले उम्मे दाऊद का क्या है कि 3 दिन आपको 13, 14, 15 रोजा रखना है और 13, 14, 15 रोजा रखने के बाद आज जो 15वीं तारीख है तो कहती है कि जवाल से पहले जो है गुस्ल है और गुस्ल के बाद जो है आप जोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है अपने अमाल को शुरू करेंगे। तो बहरहाल जो है वो मगरिब तक से पहले अमल जो है वो खत्म होता है, अमल उम्मे दाऊद। अच्छा खासा कुरान का हिस्सा उसके अंदर पढ़ा जाता है, दाऊद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के रिजाई भाई बनी अब्बास जब बरसरे इख्तदार आए तो खास तौर पे सादात और दोस्तदारान आले मोहम्मद के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ गई। मंसूर का दौर जो है वो इंतहाई 70 दौर है। पहला जो बादशाह है अबू सफ्फा अल अब्बास, उसके जमाने में जो है वो 2 साल उसकी हुकूमत रही है, इतने ज्यादा जो है वो सादात को कोई मसला नहीं पेश आया यार दोस्तदारान आले मोहम्मद। मंसूर का जो दौर है उसके अंदर जो है मजालिम बहुत ज्यादा थे, कितनी मतलब इमाम जाफर सादिक को गिरफ्तार किया गया, हसनी सादात को गिरफ्तार करके मदीने से ले जाया गया और सबको जो है कत्ल कर दिया गया। तारीख कहती है कि जिस वक्त जो है ऊंटों के ऊपर उन लोगों को सवार किया जा रहा था, इमाम सादिक जो थे अपने घर की खिड़की से उन लोगों को देख रहे थे कि किस जुल्म जोर के साथ जो है उनके मुश्कों को जो है कसा जा रहा है, जिससे जो है हजरत जो है वो बीमार पड़ गए और काफी दिन तक के जो है मरीज रहे। हजरत की बीमारी सुनकर उम्मे दाऊद यानी दाऊद की मां, क्योंकि इमाम की बीमार हुई क्योंकि इमाम को इन्हीं ने दूध पिलाया था मिजाज कुर्सी के लिए आई आयादत के लिए, इमाम ने पूछा कि दाऊद की क्या खबर है, तो उस पर उनकी मां ने कहा कि कोई खबर नहीं, काफी अरसा हो गया है कि वो लापता है, नहीं मालूम कहां चले। उस पर इमाम ने दाऊद की मां को यह अमल तालीम दिया था कि आप ये अमल कीजिए इंशाल्लाह दाऊद जो है वो वापस आएंगे। पर बहुत ही ये अमल जो है वो अहमियत का हामिल है। ईरान के अंदर तो बाकायदा जो है रजब के महीने में 13, 14, 15 लोग इतकाफ में बैठते हैं और इतकाफ करते हैं, तो वहां के ऊपर ये अमल अंजाम देते हैं। मैं आप सोची कि जो मस्जिद है मरकजी मस्जिद मस्जिद आजम है, मस्जिद इमाम हसन अस्करी है और दीगर मस्जिद है कि जहां इतकाफ होता है, इतने ज्यादा जो है खचाखच मस्जिद भरी हुई होती है, उसके अंदर जो है वो लोग आते हैं और वो खुदा से राजो न्याज करते हैं, माना जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि माह मुबारक रजब, इसमें हमको और आपको अपने तस्किए की जानिब तवज्जो दें। देखिए तालीम से पहले अल्लाह ने तस्किए को जिक्र किया, ये आयत करीमा जो आप इब्तिदा में आपके सामने पढ़ी थी कि जिसमें अल्लाह ने अपना एहसान बताया कि हम ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे दरमियान एक शख्स को रसूल बना के भेजा जो मिन अनफुसिहिम तुम्हारी जानों में से
एक जान, इतना करीबी रिश्ता है उसका, ठीक है। उसका काम क्या है, यतलू अलैहिम आयात, वो आयात इलाहिया की तिलावत, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया, यानी जो अंदर नजासतें पाई जाती हैं। अब ये नजासतें अलग है, देखिए जाहिरी नजासत से आप अपने बदन को पाक कर लेते हैं, लिबास को पाक कर लेते हैं, लेकिन जो बातिनी नजासत है उसकी जानिब तवज्जो देना, कि अगर वो नजासत मौजूद है तो ये इल्म नहीं आ सकता। इस्तेलाहात का याद कर लेना, गर्दानों का याद कर लेना, सही इबारत पढ़ लेना, इसको इल्म नहीं कहते। फरफर आप अरबी बोलें, फारसी बोलें, जबाने आप मुख्तलिफ बोलें, आपको आलिम नहीं कहा जाएगा। ज्यादा ज्यादा यह कहा जाएगा कि आप एक जबान को जानते हैं और अपनी बात को उस जबान में बयान कर सकते हैं। आलिम किसे कहा जाता है, क्योंकि इल्म है नूर, अल इल्मु नूर, इल्म एक नूर, यज़िफ़ुल्लाहु फी क़ल्बिही मन यशा, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उसके दिल में ये नूर उतार देता है। तो इल्म एक नूर, ये नूर उस वक्त आता है कि जब ज़र्फ जो है इस नूर के लायक बनाया जाए। दिल इंसान का, कल इंसान का, इस इल्म का ज़र्फ है, कसीफ ज़र्फ के अंदर ये इल्म नहीं आ सकता। तो पाको पाकी ज़र्फ होना चाहिए। तो ये जो बातें नहीं ना जा सकते, कौन कौन सी, मिसाल के तौर पर गीबत, एक बातें नहीं ना जा सकते। क्या है गीबत, कुरान कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीह मैतन, अरे क्या तुम में से कोई एक पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, करे तुम मुझे ऐसे परहेज करना चाहिए, कराहियत महसूस करना चाहिए। तो गीबत क्या है, यानी किसी की बुराई करना, बुराई के माना क्या है, जो ऐप उसमें पाया जाता है, अगर उस ऐप को उसके सामने जिक्र किया जाए तो उसको बुरा लगेगा, इसको उसकी पुश्त के ऊपर उसकी गैर मौजूदगी में बयान किया जाए, इसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर चलने का अंदाज उसकी नकल बनाई, बोलने में कोई मिसाल के तौर पे हक लाता है उसकी नकल की जाए, कोई एक लफ्ज जो है कसरत के साथ वो इस्तेमाल करता है तकिया कलाम उसकी नकल की, या मिसाल के तौर पर अखलाकी कोई खराबी उसके अंदर पाई जाती है, तो भाई नमाज को नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है, मगर आश्कार तौर पे झूठ नहीं बोलता है, छुप छुपा के बोलता है, सब नहीं जानते कि वो झूठ बोलता है, आप जानते हैं। इस चीज को अगर हम और आप जिक्र करें, इसे गीबत से तालीम किया जाता है। तो गीबत एक नजासत, चुगलखोरी एक नजासत, तजस्सुस की आदत, दो लोग बात कर रहे हैं वहां को पकाने का किस्म, ठीक है, एक नजासत, माले हराम खाना एक नजासत, सुस्ती और काहली अगर किसी में पाई जाती है ये भी एक रिच है, नजासत है, नहीं होना चाहिए। मोमिन जो है वो बानशात होता है, ताजा रहता है, दीदार रहता है, ये सब क्या है, ये बातिनी नजासतें हैं। इन बातिनी नजासतों को अपने अंदर से हमको खत्म करना होगा। अगर हम इन बातिनी नजासतों को अपने अंदर से खत्म कर रहे हैं तो उस सूरत में हमारा इस लायक करार पा पाएंगे कि
ये इल्म की जिसको नूर करार दिया गया है, ये नूर हमारे अंदर, वरना आप देखते हैं कि जनाब जो है वो इबारत बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं। पूछिए कि फुला सीगा जो है किस बाप से, तौर से बता देंगे, मसाइल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, अखलाकी एतबार से इंतहाई पस्त है। कतअन ऐसे लोगों की दीन को जरूरत है कि जो अपना अखलाक दुरुस्त ना कर सके, क्योंकि आप और हम, देखिए हम चाहे समझें चाहे ना समझें, एक हकीकत है कि हम लोगों के ऊपर आवाम जो है वो तनकीदी निगाह रखती है, ठीक है। अभी भाई मिसाल के तौर पे आप कहिएगा कि भाई आप, हम तो एक तालिबे इल्म है, हमको कौन जानता है, हमको कौन पहचानता होगा, मगर जितना भी हलका आपको जानता है वो आपको लाशऊरी तौर पे अपना आइडियल मानता है, शऊरी तौर पे नहीं, लाशऊरी तौर पे वो अपने को आपको अपना आइडियल मानता है, आपको अपने लिए उस वजह क्या है कि जब आपसे कोई गलती होते देखता है तो क्यों आपके ऊपर एतराज करता है, किस लिए एतराज कर रहा है, वजह इसकी वही है कि भाई इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे लीडर, ये मुस्तकबिल के जो है वो हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ने जो इज्जत दी है, आप देखिए कि आप जाइए, आप अपनी बस्ती के अंदर जाइए, अपने गांव के अंदर जाइए, इलाके में जाइए, मदरसे से जब वापस जाते हैं आवाम कितनी इज्जत के साथ आपसे मिलते हैं, मौलाना कहते हैं, मौली साहब कहते हैं, एहतराम देते हैं, आपका जो है वो ख्याल रखते हैं पूरा पूरा, और ये कोशिश करते हैं कि आप जो है यानी मिसाल के तौर के ऊपर आपकी तोहीन न हो, सदर महफिल में जो है आपको जगह दी जाती है, वहां के ऊपर आपको बैठाया जाता है, कि किसकी इनायत होती नहीं आपको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनायत है। तो अगर हमारा जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ हो, तो इस्लाम ने बहरहाल ऐसे अशखास को एक नाम दिया है, मेरे अंदर वो जरूरत नहीं है कि मैं वो लफ्ज जो हूं अपनी जबान को जारी करूं कि जिसका जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ हो। अगर एक तालिबे इल्म का जाहिर कुछ और हो और बातिन कुछ और हो, कितनी अफसोस की चीज है कि वो तालिबे इल्म की जो इमाम जमाना का सुफरा बिछा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और उसके बाद जो है उसका जाहिर अलग है और बातिन अलग है, यहां जो कुछ असबाब हैं और जो जो चीजें आपके इख्तियार में रखी हुई हैं, किसी की मिल्कियत नहीं, ये सब इमाम की मिल्कियत है, आप सब जो है वो इमाम की सिपाही है, ठीक है। आपको ये इरादा करना है कि आइंदा आपको दीन की खदमत करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के जो है दीनी पैगाम को पहुंचाना है, किसी एक इंसान को भी अगर आप सही रास्ते के ऊपर ले आते हैं तो वो फितरा के जो जनाब रिसालत माम ने जनाब अमीर से कहा था कि तुम्हारे लिए हर उस चीज से बेहतर है कि जिस पर सूरज तुलू और गुरू होता है। अल्लाह से तो दुआ है कि अल्लाह हम सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमको इस माह मुबारक की बरकत को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।